देखिए कुंभ में मैं कल से मैं देख रहा हूँ, मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है, मेरे सब यहाँ के सामाजिक लोगों से भी बात हुई है, संतों से भी कुछ लोगों से बात हुई है। कुंभ की जिस तरह से तैयारी चल रही है, मुझे लगता है कि हरिद्वार पूरी तरह से कुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। और हरिद्वार में जो सरकारी स्तर के जो काम हैं वह लगभग अच्छे प्रोग्रेस पे हैं, और अच्छा कुंभ होगा, बेहतरीन कुंभ होगा, दिव्य और भव्य कुंभ होगा। हम भारतीय जनता पार्टी में हम लोग व्यक्तिगत सोच के काम नहीं करते, हम लोग सामूहिकता पे विश्वास रखते हैं, संगठन पे विश्वास रखते हैं। और किसी भी तरीके का जो पिछले 4 साल हमारी सरकार चली है, ये 4 साल की सरकार जीरो टॉलरेंस के लिए सदैव याद रखी जाएगी। हमारी सरकार का कामकाज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हर वक्त याद रखा जाएगा। ये पिछले 4 सालों के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। आगामी जो 1 वर्ष है वो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और विकास के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड के जनमानस की भलाई के लिए काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार का जो कार्यकाल बचा है उसमें हम उत्तराखंड की जनता को और बेहतरीन सरकार देंगे। ममता जी अब जो करें वो जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार वह खुद भी समझ चुकी है, जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रोज़ अपना जनाधार वहाँ बढ़ा रही है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की हालत है उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।